तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। एंड कोटक बैंक के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली अगेन 1% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज वापस से हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, HDFC बैंक का जैसा चार्ट है वैसा सिमिलर चार्ट आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का भी देखने को मिलेगा। कोटक बैंक भी HDFC बैंक के साथ साथ यहाँ पर जो HDFC बैंक जब 89 तक गया, ये काउंटर भी 1955 तक यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट आया था, बट जैसे ही HDFC बैंक ने रिजेक्शन लिया, हमें कोटक बैंक के अंदर भी टॉप लेवल से रिजेक्शन और एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई देखने को स्टिल मिल रही है। अब इसका क्रूशियल सपोर्ट था 1840 शॉर्ट टर्म के लिए, 1840-1850 के रेंज में सपोर्ट था जो ऑलरेडी ब्रेक करके काउंटर नीचे निकल चुका है। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 1760, अगर वो ब्रेक हो गया तो फर्दर गिरावट आपको 1720 तक की भी देखने को जरूर मिलेगी। एंड अगर 1720 के नीचे निकल गया तो देन कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जो है वो अगेन आपको एक ब्लड बाथ शो करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक प्रॉपर रिवर्सल का वेट करो, जहाँ से भी लोअर साइड से रिवर्सल आता है वहाँ से आप बाइंग साइड पर जा सकते हो, लेकिन पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना।